आई नो दिस डिस्टेंस इज अबाउट 7 feet और ये जो प्लैंक है दिस इज लिटिल लेस देन 6 feet, तो मेरे पास मार्जिन कितना रह गया 1। कंफर्टेबली जो है मैं कवर कर सकता हूं रफली अबाउट 3 feet कंफर्टेबली। अब सी ये दीज आर ऑल इट्स लाइक दिस, कोई लड़की हो या लड़का हो है ना, जनरल अगर मैं स्टेप लू कितना डिस्टेंस है, यानी कि मेरे ये जो टो है और ये जो टो है आगे वाला ये डिस्टेंस है जो मैं कंफर्टेबल, यही 2 feet और 1 feet का मार्जिन है मेरे पास 3। Am I right? So this is how you are supposed to work. This is nothing but mental application. Plank है मेरे पास roughly 6 feet का, therefore it becomes important for me कि मैं plank को ऐसे position करूं कि यहां मैं कंफर्टेबली आ सके आदमी। Now the question is कि अगर मैं इस plank को रखता हूं यहां, क्लियरेंस कितनी मिल रही है? 1 inch है ना। होता क्या है, दिस इज वेयर बैड कोचिंग मैटर्स। लोग क्या करते हैं, कोचिंग लेके जाते हैं और ऐसे डिस्प्ले करते हैं और ये आइडिया जो है वो वर्क नहीं कर रहा। इसमें थोड़ा सा करेक्शन चाहिए। क्या करेक्शन चाहिए कोई बता सकता है? क्लियरेंस चाहिए। तो क्लियरेंस कैसे मिलेगी आपको? अगर बल्ली नहीं दी है तो करेक्ट, बहुत सिंपल सी लॉजिक है। नंबर 1, अब बहुत से क्या करते हैं इमीडिएटली इंस्टेंटली बोला इसके नीचे रोप लगा दी, आपने रोप लगाई फिर नहीं वर्क कर रहा, रीजन बीइंग बिकॉज़ एक खड़ा यहाँ पे, पॉसिबली 2 को खड़ा होना पड़ेगा, नहीं हो रहा है। 99 times क्या होता है, जहां आपने 2 अटेम्प्ट कर लिए तो 4 लोग ग्रुप में बोले ये नहीं होगा, फटाफट प्लान भी हटा दिए रूप भी हटा दिया। वाई ऐसी क्या जल्दी थी? दिस इज व्हाट यू आर वेस्टिंग टाइम। फिर दूसरी जगह गए, पता चला वो इससे भी डिफिकल्ट है, बोला नहीं यार पहला वाला ही ठीक, चलो वापस, और इसी दोनों में लगे रहते। दिस इज वेयर यू नो द कॉन्फ्लिक्ट इन द ग्रुप स्टार्ट्स। सो यू शुड नॉट, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, आपका जो मेंटल लेवल ऑफ स्ट्रेस टॉलरेंस है ना वो कितना है, हाउ लो और हाउ इफेक्टिव और हाउ गुड और हाउ स्ट्रांग इट इज। तो ट्राई, एक नहीं आ रहा 2 होंगे, 2 से नहीं आ रहा 3 हो जाएंगे, फाइनली हो जाएगा। जब एक यहां आ गया है ऑब्वियस है इट बिकम्स द नेक्स्ट, बाय नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी हाउ मेनी वांट टू गो देयर। ग्रुप ने बोला सर 3, बोला ओके गो एनी 3। नाउ सी द प्रॉब्लम कहां आ रही है, ये दीज थिंग्स हैपन वेरी फ्रीक्वेंटली, एक्चुअल में होता है ऐसा, आपने 3 बोला मैंने कह दिया ओके 3 को, अब क्या हुआ यहां 3 आ नहीं सकते, यहां 2 ही आ सकते हैं। अब मालूम है ग्रुप क्या करेगा, तीसरे को बोला ऐसा करो इसके ऊपर चल जाओ, अब जो तीसरे को दे वो दे के ले चढ़ो, कहां से कहां जाऊंगा, गेट द पॉइंट, समझ में आ रहा है कि कहां प्रॉब्लम एरिया कहां है एंड हु इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम्स। आई एम नॉट क्रिएटिंग प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो अपने आप, ठीक है। और जिसने बोला 3 मैंने नोट कर लिया। आप खड़े काहे के लिए हुआ, मतलब 2 बोलूंगा मैं, आप क्यों खड़े हो, यही बोलने के लिए, बिल्कुल 3 नहीं बोलने के लिए, 2 बोलने के लिए, जो मैं सोच रहा हूँ आप ही सोचोगे, सोच के दूसरे के थोड़ी बताओगे कि तू भाई ये सोचा हो तो बोल दे। अरे भाई सवाल तो वही है ना, ग्रुप में 8 लोग हैं, सबकी सोच अलग अलग है,
सबके दिमाग में अलग आइडिया है। प्रॉब्लम वही है, कल भी मैं आपको ये बता रहा था कि एक चीज हमेशा याद रखो, आप गलत हो सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम वहां आएगी, आप हर बार बोलते हो, टास्क तो भी स्टार्टिंग हुई है ना, पूरा दिन पड़ा है, आप हर बार बोलते हो और हर बार गलत बोलते हो तो प्रॉब्लम है। ठीक है, आपने पहली बार बोला, आई नो यू हैव योर लिमिटेशंस, आई एम अवेयर ऑफ दैट, आई एम नॉट गोइंग टू पेनलाइज यू। सेकंड टाइम आप गए, अगेन यू आर रॉन्ग, आई एम नॉट गोइंग टू पेनलाइज। थर्ड टाइम फिर आपने बोला, फिर यू आर रॉन्ग, नाउ इट इज टाइम फॉर मी टू पेनलाइज। कि वास्तव में आपने दिखा दिया कि आप में दिमाग, am I right? That means you lack practical application, or you are not thinking logically, rationally. ऐसा है, get the point? This what you need to keep in mind. Clear? और बोलो। जोर से बोला करो सर, मतलब समटाइम्स कभी ऐसा होता है कि मतलब वेट काउंटर करने पड़ जाता है इक्विलिब्रियम क्रिएट करने के लिए, तब यूज कर सकते हैं क्या? नहीं समझा। लाइक समटाइम्स मतलब जो बैलेंस की वेट मतलब किसी को खड़ा होना ही पड़ता है, तो समटाइम्स वर्केबल है वो, तो करना ही पड़ेगा आपको। वर्केबल मतलब कैसे? वो खड़ा हूँ, कहाँ मसल पावर आई इसमें? लेकिन जब मैं प्लैंक पे रखूंगा तो मेरी मसल्स पे जोर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जब मैं हाथ से पकड़ूंगा तो मेरी मसल्स पे जोर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सी दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सिमिलरली जैसे ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस आपको पता नहीं बताइए कि नहीं बताइए, बताया नहीं बताया, उसमें जैसे वॉल क्लाइंबिंग होती है ना, बहुत से लोग वॉल क्लाइंब नहीं कर पाते, उसके डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हैं। कुछ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनकी मसल्स वीक है, कुछ इसलिए नहीं कर पाते स्पेशली गर्ल्स के बैचेस में कि हाइट कम है। वॉल तो स्टैंडर्ड है सबके लिए, चाहे आप 5.5 फुट के हो या 5 फुट के हो या 6 फुट, सो दे आर नॉट एबल टू जंप, है ना। अब सवाल ये है कि व्हेन यू आर मूविंग इन अ ग्रुप, ऑब्वियसली ग्रुप कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड, That understanding is required, that bondage is required. Okay. अब होता क्या है, बहुत से क्या करते हैं, मान लो शी इज ट्राइंग नहीं चल पाया तो किसी ने पैर से पकड़ा, उठाया, बोलो चलो हाथ ऊपर करो, पीछे से पैर पकड़ के उठा दिया, am I right? अच्छा, बहुत से क्या करते हैं, ये करते हैं, ठीक है, she wants to climb, wall मेरे पीछे है, मैंने ऐसे कहा बोलो आ जाओ, इस पर पैर रखो और मेरे कंधे पकड़ो एंड जंप, दिस इज अनदर वर्किंग मेथड। तीसरे होते मेरे जैसे गधे, चल आ जा मेरे ऊपर, ये भी होता है, करेक्ट, ये सब डिस्प्ले होते हैं, दीज आर डिफरेंट मेथड्स। द क्वेश्चन इज विच यू थिंक इज सेंसिबल एंड विच इज नॉट सेंसिबल, ये तो आप भी जज कर पाओगे, मेरी जो रिक्वायरमेंट नहीं है, बात समझ में आ रही है? This what that जो final discerning thing है ना, that needs to be taken care of. Understood? और बोलो, जोर से बोला करो, अब मेरी उम्र में क्या कान में सुनाई नहीं देता। हाँ, मैंने बोला सिर्फ आप स्टैंड, उस पर स्टैंड हो रहा है ना, ठीक है, दैट्स ऑल राइट। देखो बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, प्लैंक और रोप का कॉम्बिनेशन है ना, कैसे यूज करते हैं कोई मुझे बता सकता है? कैन यू नेम एंड डिस्प्ले हाउ डू यू यूज प्लैंक एंड रोप?
टास्क में टास्क क्लियर करने के लिए कभी यूज करते हो प्लैंक और रोप? कैसे करते हो दिखाओ मुझे, कोई समबड़ी शो में दिखाओ यार, कोई तो दिखाओ। छोड़ दो। वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं है मतलब। कितनों ने बनाया ये, किस किसने बनाया? आपने 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 तीनों ने, हम दोनों ने बनाया, दोनों को जीरो। यस सर, हाँ मिला तो मिला। खोल दो इसको, किसने बोला वही यूज करना था? किसने बोला, पूछ रहा हूँ, जवाब दो ना। आपने बोला था प्लैंक और रस्सी कैसे यूज़? हाँ तो वहाँ पर, वहाँ तो यू, पर वहाँ तो यूज नहीं हो रही, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ ना। क्योंकि किसी ने आपको गलत कोच कर दिया, वही तो, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू सी ना। हो गया फैसला? सी दिस इज वेयर यू हैव टू कीप प्रेजेंस ऑफ माइंड, जिसको हम बोलते हैं आई फॉर डिटेल्स। जल्दबाजी मत दिखाओ उसको। सी आफ्टर ऑल ये कोई स्ट्रक्चर नया नहीं है। इफ यू गो बैक, अगर आप अपनी नाइन्थ या टेंथ की साइंस की बुक खोलोगे ना, टेक्स्ट बुक खोलोगे, तो उसमें आपको ये फिगर नजर आएगा, गारंटी इस बात।